एवरीवन, मैं महन पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर बेसिक कोर्स में जो मैं ट्रिपल सी से रिलेटेड स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी क्रम में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रेषित भी हो रहा है, कंप्यूटर इन नेटवर्क्स इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं उसका मैं कंप्लीट नॉलेज इसमें आपको दूंगा। वैसे ट्रिपल सी से रिलेटेड मेरी फुल फॉर्म की एक सेपरेट वीडियो पहले से है जो कंप्लीट सिलेबस से है, तो वो वीडियो भी खासा इंपॉर्टेंट है, तो उससे जिसने भी ना देखा हो उसे आप देख लें। वीडियो तो कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पर है जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है या इंटरनेट का यूज़र है, तथा उन स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ट्रिपल सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखें। तथा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, तथा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल्स से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं उनको कम्प्लीटली हम समझते हैं, हम देखते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज जो मेरा मेन टॉपिक है आज का वीडियो का जो टाइटल है उसी के अकॉर्डिंग जो मेन टॉपिक वाइज आपको मैं फुल फॉर्म्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड फुल फॉर्म, तो जो फुल फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में इंटरकनेक्ट किए जाते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं उसका मेन रीज़न क्या होता है, वो डेटा का संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो उसमें जो डेटा का संचार होता है उसका जो ट्रांसफ़र रेट होता है वो KBPS या MBPS में मापा जाता है। तो KBPS का मतलब होता है KBps, किलोबिट्स पर सेकेंड। अगर KB स्मॉल में है तो किलोबिट्स पर सेकेंड होगा, अगर KB कैपिटल में है और PS लिखा गया तो उसको हम बोलेंगे किलोबाइट पर सेकेंड। कभी कभार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन में अगर इस तरह से आ जाता है, तो अगर KB कैपिटल लिखा हुआ है तो किलोबाइट पर सेकेंड होगा, अगर KB स्मॉल में है B तो किलोबिट्स पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह से MBPS है, मेगाबिट्स पर सेकेंड, अगर कैपिटल में B हो गया तो मेगाबाइट पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं STP, आप जानते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, लैन नेटवर्क करने के लिए वायर्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक STP है, STP को बोलते हैं सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एंड UTP को बोलते हैं अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट है लैन, आप जानते हैं नेटवर्क मेन तीन होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। तो लैन जो है उसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे सिटी नेटवर्क भी कहा जाता है, वैन है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है इसे, वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। VPN है वर्चुअल प्राइवेट, जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं उसे VPN कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। साइबर क्राइम से बचने के लिए भी VPN यूज़ किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। पैन होता है पर्सनल एरिया, एक पैन तो आप परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, बट यहाँ नेटवर्क को देखते हुए जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो हम नेटवर्क तैयार करते हैं उसे हम पैन करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। CCC में वगैरह में कभी कभार पूछ लिया जाता है। GAN बोलते हैं ग्लोबल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट का ही दूसरा नाम एक तरीके से ग्लोबल, चूँकि इंटरनेट ग्लोबली फैला हुआ है और इंटरनेट को हम नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, इसे ग्रेट नेटवर्क कहा जाता है। तो GAN होता है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, SAN होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड पर जो स्टोरेज होता है, नेटवर्क पर जो स्टोरेज होता है उसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं। CAN होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, तरीके से LAN का एक प्रारूप है कैंपस एरिया नेटवर्क। HAN होता है हाउस एरिया नेटवर्क, एक हाउस में एक घर में जो हम नेटवर्क तैयार करते हैं उसे हम हाउस एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं। HAN FDDI होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस बोलते हैं, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। नेक्स्ट है ATM, ATM दूसरी चीज है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, लेकिन नेटवर्क से रिलेटेड अगर ATM पूछा जाएगा, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड बोलते हैं इसे, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड कहते हैं। IEEE, IEEE एक इंस्टीट्यूशन है, देखिए IEEE का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स।
एस एन एम पी है, एक होता है एस एम टी पी, बट ये एस एन एम पी है जिसे हम सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहते हैं। एस एन एम पी का पूरा नाम होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। मैक, वैसे मैक जो होता है मैसिंटोस को कहा जाता है, जो एप्पल के लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर मैक का नेटवर्क सेक्शन में मैक का जो दूसरा वर्क है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आप ध्यान दें, ओसाई मॉडल होता है और टीसीपी आईपी मॉडल होता है, जो नेटवर्क लेयर्स होते हैं जिसे नेटवर्क मॉडल कहा जाता है। हमारी जो पिछली वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क मॉडल एंड टाइप ऑफ नेटवर्क्स पर है, उसमें हमने इसके बारे में डीपली बताया हुआ है। तो ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट है आईएसडीएन, आईएसडीएन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क के लिए है आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एडीएसएल होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये फुल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएसएमए होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है एफडीएमए होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट होता है टीडीएमए होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडीएमए का पूरा नाम होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जीएसएम, जीएसएम एक संस्था है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। WLL आता है, बार बार पूछा जाता है, तो वायरलेस लोकल लूप बोलते हैं, वायरलेस लोकल लूप। IPV, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। IPV का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। आप देखते हैं मोबाइल वगैरह में भी लिखा रहता है IPv4, IPv6, तो इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और 6। PSTN है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। इन सब के बारे में हमने डीपली पिछली क्लास में बताया हुआ है, जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्लास मेरी है। तो PSTN को बोलते हैं पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट है PSDN, पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म एंड प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं इसमें। आर्पानेट, आप जानते हैं इंटरनेट की उत्पत्ति कहाँ हुई है, आर्पानेट। आर्पा एक एजेंसी है जिसे हम बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एक डिफेंस एजेंसी है अमेरिका की, जहाँ पर आपका इंटरनेट डेवलप किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं ISP, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में इंटरनेट आया था उसमें जो सेवा प्रदान किया था VSNL ने किया था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो इस समय टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB का पूरा नाम होता है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। IETF का पूरा नाम होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IIS का पूरा नाम होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। WW है वर्ल्ड वाइड वेब, आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WW का आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स-ली ने। तो WW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। URL होता है जो एक यूनिक एड्रेस होता है, एक एड्रेस जो हम वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उसे URL कहा जाता है। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक ऐसी भाषा है जिस पर इंटरनेट का पेज डिज़ाइन किया जाता है, तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DNS, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम जो डोमेन्स की पहचान कराता है, डोमेन नेम सर्वर और डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS भी लिखा जाता है अपने साइबर क्राइम से बचने के लिए। तो जो HTTPS प्रोटोकॉल होता है उसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट है आपका SMTP, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है मेल को ट्रांसफर करने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
पीओपी 3 मिलता है आपको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 बोलते हैं। ये रिसीविंग के लिए, सर्वर पर आए हुए मेल को डाउनलोड करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। यूयूसीपी है, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी। आईएमएपी है, इंटरैक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक ही मेल को अलग अलग डिवाइसेस में यूज़ करने के लिए जो सुविधा प्रदान करता है वो आईएमएपी प्रोटोकॉल होता है, इंटरैक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। एमआईएमई होता है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट है एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टीसीपी, देखिए एफटीपी ऑफलाइन प्रोटोकॉल होता है और टीसीपी जो होता है वो आपका ऑनलाइन प्रोटोकॉल है, इसलिए टीसीपी आईपी लिखा जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल नेम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी, जब हम कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करके चलाते हैं तो उसका, उस डिवाइस का एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है आईएसपी के द्वारा, तो आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एसएलआईपी है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। एसएलआईपी का सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रिपल पी का फुल नेम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आईसीएमपी का पूरा नाम है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। टेलनेट होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सीजीआई का पूरा नाम होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। एएसपी का पूरा नाम है एक्टिव सर्वर पेजेस। जेएसपी को हम बोलते हैं जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट है आपका एक्सएमएल, डॉट एक्सएमएल एक एक्सटेंशन है ये, तो इसका पूरा नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। अपने मेल को अलग अलग रिसिपिएंट्स के पास भेजने के लिए हम सीसी का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन कॉपी। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म थे जो आपने देखा, कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट एंड प्रोटोकॉल से रिलेटेड खासा इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।